हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी कुकिंग बाय सुधा में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए समर स्पेशल रेसिपी, ठंडी ठंडी, जी हाँ, मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही सॉफ्ट बनी है। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने जो है बड़े साइज़ की दो आम लिए हैं। वेट में ये 600 ग्राम के लमसम है। तो पहले हम जो है इसका छिलका हटा देंगे, यानी आम को पहले हम पील कर लेंगे। इसके बाद जो है इसका पल्प निकाल लेंगे। अगर आम जो है थोड़ा सा सॉफ्ट है, यानी उसे पील करते नहीं बना, तो आप उसे छिलके सहित इस प्रकार से कट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप इसका पल्प निकाल लीजिएगा। ईजिली ये पल्प निकल आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सारा पल्प जो है निकाल लिया है। अब इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। कढ़ाई मैंने रख दी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ले रही हूँ 500 ml फुल फैट मिल्क। कप से अगर आप इसे मेजर करेंगे तो ये 2 कप के लमसम है। कढ़ाई में दूध डालने के बाद फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे। इसके बाद जो हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ये 2 पाउच लिए हैं मिल्क पाउडर के। 10 रुपीज़ का एक पाउच मिलता है। अगर आप कप से मेजर करेंगे तो 1/4 कप के लमसम है। तो इसे जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो पहले ही मिक्स कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच फुल, यानी कि 1.5 चम्मच के लमसम कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर जो है आप चाहे तो पानी में घोल कर भी डाल सकते हैं, अगर दूध गर्म है। अगर दूध ठंडा है तब तो आप पाउडर बेस पे डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और कंटिन्यूसली इसे चलाते हुए हमें पकाना है, जिससे इसमें कोई लम्स ना पड़े। तो फिर मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे 4 से 5 मिनट पका लिया है। दूध जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। तो 1/2 कप से जो है थोड़ी सी मैंने ज़्यादा चीनी ली है, यानी वेट में जो है 135 ग्राम्स के लमसम। अगर आप बहुत लाइट मीठा खाते तो 1/2 कप डालिएगा, यानी कि 100 ग्राम्स। तो फिर चीनी डालने के बाद मैंने इसे 2 से 3 मिनट और पका लिया है। और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। तो फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे, इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो फिर एकदम मार्केट जैसी सॉफ्ट और टेस्टी आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप व्हिपिंग क्रीम। इसके जो आइस क्रिस्टल हैं वो जब रिमूव हो जाएंगे, इसके बाद हम इसे वेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक वीटर लिया है। इसकी जगह जो आप हैंड विस्क या फॉक ले सकते हैं, बस उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो पहले नंबर 1 पर 2 मिनट तक बीट करेंगे। इसके बाद जो है 3 से 4 मिनट जो है 5 नंबर पर बीट करेंगे, यानी 4 से 5 मिनट में ये क्रीम जो है हमारी एकदम थिक, एकदम फ्लफी हो जाती है, यानी डबल हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो आप यहाँ पर जो है अमूल की फ्रेश क्रीम ले सकते हैं। लेकिन आपको एकदम मार्केट जैसा टेक्सचर और टेस्ट चाहिए तो आप व्हिपिंग क्रीम का ही यूज़ करें। तो ये क्रीम जो है हमारी तैयार हो गई। मैं इसे साइड में रख देती हूँ। और ये जो दूध की हमने रबड़ी तैयार की थी बिल्कुल ठंडी हो गई है। फ्रेंड्स, ये बोल जो है छोटा है, ये कढ़ाई हमारी थोड़ी सी बड़ी है। तो जो मिक्सचर है हम इसी कढ़ाई में मिक्स करेंगे। तो ये मैंगो पल्प जो है 1 कप और ये 1/4 कप यानी 1.25 कप है। आप 2 कप भी डाल सकते हैं। इसे हम पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो हम इसे थोड़ा सा और बीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका कलर जो है कितना प्यारा आया है। लेकिन अभी जब हम इसमें व्हिपिंग क्रीम मिलाएंगे तो इसका जो कलर है वो काफ़ी लाइट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ले रही हूँ बहुत ही थोड़ा सा, यानी 1/2 पिंच से भी कम मैंने यहाँ येलो फूड कलर लिया है। आप इसे जो है पानी में घोल कर भी डाल सकते हैं। इसके बाद जो है व्हिपिंग क्रीम हम इसी में डाल लेंगे। इसके बाद हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बीटर से हमें इसे जो है 1 से 2 मिनट अच्छे से बीट कर लेना। तो फ्रेंड्स, ये आइसक्रीम जो है मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, क्योंकि ये आइसक्रीम जो है खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। वैसे भी समर सीजन में आइसक्रीम खाना भला किसको नहीं अच्छा लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे 2 मिनट जो है अच्छे से बीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर है इसका। तो अब हम क्या करेंगे, जिस भी डिब्बे में आपको आइसक्रीम जमानी है उसमें हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे और ऊपर से जो है इसे थोड़ा सा हम फ्लैट कर देंगे। इसके बाद जो है डब्बे का हम लिड लगा देंगे। इसके बाद जो हम इसे कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए ओवरनाइट के लिए रख देंगे जमने के लिए। और फ्रेंड्स, जो बचा हुआ मिक्सर था मैंने यहाँ दूसरे डिब्बे में कर लिया है, तो इसे भी मैं रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए आइसक्रीम हमारी रेडी हो गई है। मैंने इसे ओवरनाइट के लिए रख दिया था। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सॉफ्ट बनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको देखने में ही लग रहा है ना कि बहुत ही सॉफ्ट बनी है। अगर आपको सिंपल पसंद है तो आप इसे ऐसे ही खाइए, या फिर आप इसके ऊपर थोड़े से टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं, जिससे आइसक्रीम जो देखने में अच्छी लगती है और खाने में तो टेस्टी है ही। तो फ्रेंड्स, इस समर सीजन में इस मैंगो आइसक्रीम को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव हमसे शेयर कीजिएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ।